बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है फाइंड द कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन यू वेक्टर एंड वी वेक्टर। मतलब कि हमें दो वेक्टर्स गिवन हैं, एक वेक्टर है यू वेक्टर, लेट्स सपोज ये एक वेक्टर यू है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है वी वेक्टर, ये एक वेक्टर वी है। ये दो वेक्टर्स हमें गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमें कहा गया है कि आपने कोसाइन ऑफ एंगल थीटा फाइंड करना है। एंगल थीटा क्या चीज है? एंगल थीटा जो है वो इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान में जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये दोनों वेक्टर आपस में जो एंगल बना रहे हैं, मतलब कि ये एंगल, ये थीटा एंगल है, सही है। तो हमने फाइंड क्या करना है? कोसाइन ऑफ दैट एंगल, ठीक है, मतलब कि कोसाइन ऑफ थीटा हमने फाइंड करना है। तो u वेक्टर हमें गिवन है, u वेक्टर इज इक्वल टू है 3i प्लस जे माइनस के, सही है। ये वेक्टर u हमें गिवन है और साथ में v वेक्टर हमें गिवन है, v वेक्टर बराबर है 2i माइनस जे प्लस के, 2i माइनस जे प्लस के, और हमने कोसाइन ऑफ थीटा फाइंड करना है। अगर आप थोड़ा सा याद करें तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट 3 में हमने देखा था कि दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट किसके किस तरह होता है, ठीक है। तो u डॉट v किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू u का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय v का मैग्नीट्यूड और साथ में cos ऑफ थीटा, सही है। और हमने साथ में बात ये भी की थी कि ये cos ऑफ थीटा हम इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं, सही है। ये cos ऑफ थीटा हम कैसे फाइंड करेंगे कि इस u का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई v का मैग्नीट्यूड को हम लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो cos ऑफ थीटा किसके बराबर आ जाएगा? cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू u डॉट v डिवाइडेड बाय u का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय v का मैग्नीट्यूड, सही। तो ये फार्मूला बन गया हमारे पास cosine ऑफ एंगल फाइंड करने का, ठीक है। तो ये हम यूज करते हैं, सही है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक तो यू वेक्टर चाहिए जो कि हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन है, और साथ में हमें वी वेक्टर चाहिए, वो भी हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन है, और हमें चाहिए यू का मैग्नीट्यूड और वी का मैग्नीट्यूड। तो ये दोनों हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। यू वेक्टर हमें गिवन है, यू वेक्टर इज इक्वल टू है 3i प्लस जे माइनस के। तो यहां से हम u का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। कोई भी एक वेक्टर हमें गिवन हो उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? तीनों कंपोनेंट्स का स्क्वायर लिया जाए और उनको ऐड कर दिया जाए, फिर उनका स्क्वायर रूट ले लिया जाए, तो हमारे पास उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाता है, ठीक है। तो इन तीनों कंपोनेंट्स मतलब कि x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट का स्क्वायर ले लेते हैं, 3 का स्क्वायर, और y कंपोनेंट क्या है 1 उसका स्क्वायर, और z कंपोनेंट है -1 उसका स्क्वायर, ठीक है। इन तीनों कंपोनेंट्स का स्क्वायर लिया और इन तीनों कंपोनेंट्स को आपस में ऐड किया और फिर उनका होल स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया u वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर इज 9 +1 +1 और उसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 9 + 1 इज 10 एंड 10 + 1 इज 11, मतलब कि u का मैग्नीट्यूड जो है उसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है अंडर रूट 11, सही है। तो इसी तरह से हम v का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लेते हैं। v वेक्टर हमें गिवन है क्वेश्चन में 2i माइनस जे प्लस के, 2i माइनस जे प्लस के, ठीक है, ये है v वेक्टर। इसका भी हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है जो कि बराबर होगा तीनों वेक्टर तीनों कंपोनेंट्स के स्क्वायर के सम और उसका फिर स्क्वायर रूट। तो ये आएगा 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। अब ये बन जाएगा 4 + 1 + 1 का स्क्वायर रूट और ये बना अंडर रूट 6। इसकी वैल्यू आ चुकी है v वेक्टर के मैग्नीट्यूड की। अब हम u वेक्टर और v वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम उस फार्मूला में पुट करते हैं, कोसाइन ऑफ थीटा के फार्मूला। कोसाइन ऑफ थीटा बराबर था u वेक्टर डॉट v वेक्टर डिवाइडेड बाय u का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय v का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो u डॉट v
अब u वेक्टर भी हमें गिवन है, v वेक्टर भी गिवन है, इसकी जगह हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, 3i प्लस j माइनस k। सही, ये वैल्यू है u वेक्टर की, और इसी तरह से डॉट इसके साथ आ जाएगा, और v वेक्टर, v वेक्टर क्या है, 2i माइनस j प्लस k, ये बन गया u डॉट v डिवाइडेड बाय u का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई वी का मैग्नीट्यूड। अच्छा, यू का मैग्नीट्यूड जिसकी वैल्यू आई थी अंडर रूट 11, और साथ में वी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमारे पास है अंडर रूट 6। इसको मजीद सॉल्व करते हैं ताकि हम कोसाइन ऑफ एंगल थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकें। ठीक है, तो ये बनेगी, ये देखें, अब इन दोनों वैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, वैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 3i इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, j इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, k इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू बनती है, 3 इंटू 2 i डॉट i। सही है, ये भी i है, ये भी i है, और 3i अब जब माइनस j से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, माइनस 3 इंटू, बल्कि प्लस 3 इंटू माइनस 1। ठीक है, ये माइनस 1 है इसका कॉएफिशिएंट, और साथ में बन जाएगा आई डॉट जे, क्योंकि हम ये आई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस जे कॉम्पोनेंट के साथ। फिर आ जाएगा प्लस के 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, के कॉम्पोनेंट का कॉएफिशिएंट है 1, और ये बन जाएगा आई डॉट के, आई डॉट के। इसी तरह से प्लस अब जे कॉम्पोनेंट इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जिस तरह से हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं वेरिएबल्स की, उसी तरह से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जे मल्टीप्लाई बाय 2i। ठीक है, तो ये बनेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2, और साथ में जे डॉट आई, जे डॉट आई। अच्छा, बाकी क्या बचेगा, प्लस जे मल्टीप्लाई करेंगे जे के साथ। ठीक है, तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, और इसमें j का कोएफिशिएंट -1 है, और साथ में आ जाएगा j डॉट j, और फिर k के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस j का कोएफिशिएंट 1 यहाँ पर, और साथ में यहाँ पर k का कोएफिशिएंट 1, और ये बन जाएगा j डॉट k। सही है, और साथ में अब इस k को हम मल्टीप्लाई करते हैं इन तीनों के साथ, तो ये बनेगा प्लस, इसका k का कोएफिशिएंट इज -1, यहाँ पर i का कोएफिशिएंट इज 2, तो ये बन जाएगा के डॉट आई। अच्छा, इसी तरह से अब बाकी आएंगे, प्लस के को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस जे के साथ, तो के का कोएफिशिएंट इज -1, यहाँ पर जे का कोएफिशिएंट इज -1, और साथ बन जाएगा के डॉट जे, और प्लस हो जाएगा इसके साथ, इसका कोएफिशिएंट इज -1, और यहाँ पर k का कोएफिशिएंट इज +1, और साथ बन जाएगा k डॉट k, ये आ गया k डॉट k। अच्छा, ये होल डिवाइड हो रहा है, ये तो बन गया u वेक्टर डॉट v वेक्टर। ठीक है, इस पूरे को होल डिवाइड करना किससे, ये डिवाइड हो रहा है अंडर रूट 11 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 6, मतलब के अंडर रूट 66 से डिवाइड हो रहा है। तो इसको मजीद आगे लेकर चलते हैं, देखें यहां पर ये जो है आई डॉट आई, आई डॉट आई किसके बराबर होता है, दो वेक्टर्स जब सेम डायरेक्शन में हो, पैरेलल हो। ठीक है, आई का क्या मतलब है कि वो यूनिट वेक्टर है, सही है, जो कि एक्स के पैरेलल है, सही है, एक्स के अलोंग है, तो एक्स के अलोंग है, और दोनों वेक्टर्स आई भी, दोनों आई हैं। ठीक है, आई डॉट आई है मतलब कि दोनों एक्स कॉम्पोनेंट्स हैं, दोनों एक्स कॉम्पोनेंट्स जो हैं वो एक्स के अलॉन्ग ही होंगे, तो एक्स के अलॉन्ग है मतलब कि दोनों वेक्टर्स पैरल हैं, और पैरल वेक्टर्स का मतलब क्या होता है, उनके दरमियान एंगल क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो हमने पहले देखा था कि दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल किस डॉट प्रोडक्ट किस तरह होता है, आई डॉट आई, अगर देखा जाए आई डॉट आई इज इक्वल टू होगा आई का मैग्नीट्यूड, सही है, साथ में फिर से आई का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये आई का मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ एंगल,
एंगल थीटा होता है, ठीक है, इन दोनों आई के दरमियान, दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं तो इनके दरमियान कॉस ऑफ जीरो होगा, कॉस ऑफ जीरो वन के इक्वल होगा, ठीक है। अब यहाँ आई जो है एक यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड वन, इसका भी मैग्नीट्यूड वन, और कॉस ऑफ जीरो इज वन, तो ये हमारे पास आई डॉट आई बनता है इज इक्वल टू वन के बराबर, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम आई डॉट जे देखें, आई डॉट जे किसके बराबर होगा, आई डॉट जे, आई और जे मतलब कि ये अगर एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, आई किसके अलॉन्ग होगा, एक्स के अलॉन्ग होगा इस तरह से, सही है। तो ये आई हो गया, और जे किसके अलॉन्ग होगा, वो वाई के, ठीक है, जे एक यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन वाई के अलॉन्ग होती है, तो ये बन गया जे वेक्टर। अब इन दोनों के दरम्यान में एंगल आप देखें तो 90 डिग्री होता है, ठीक है, तो ये बन जाएगा आई का मैग्नीट्यूड इज वन, जे का मैग्नीट्यूड इज वन, और कॉज ऑफ 90 डिग्री, इन दोनों के दरम्यान एंगल क्या है, 90 डिग्री, कॉज ऑफ 90, कॉज ऑफ 90 किसके बराबर होता है, जीरो के, मतलब के इज इक्वल टू, फिर ये जीरो सबके साथ मल्टीप्लाई होके जीरो बन जाएगा, ठीक है। आई डॉट जे इज इक्वल टू जीरो हो गया। इसी तरह से बाकी जो है वो आई डॉट के, अगर बात की जाए आई डॉट के, तो वो भी इन दोनों के दरम्यान में एंगल 90 बनता है, तो वो भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। या के डॉट आई की बात की जाए, उनके दरमियान भी एंगल 90 डिग्री बनता है, तो इसी तरह से जे डॉट आई की बात भी की जाए, तो उन दोनों के दरमियान भी 90 डिग्री एंगल बनता है, तो वो इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ठीक है। आई डॉट आई इज इक्वल टू वन होगा, मतलब कि जो पैरेलल जो है वेक्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट जो है, उनका डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू वन आएगा, ठीक है। यूनिट वेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, कि दो ऐसे यूनिट वेक्टर जो कि आपस में पैरेलल हों, ठीक है, तो उनके उनका डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू वन आएगा, जिस तरह के आई डॉट आई इज इक्वल टू वन आया, उसी तरह से जे डॉट जे भी इज इक्वल टू वन आएगा, और उसी तरह से के डॉट के भी इज इक्वल टू वन आएगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे जो कि आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये आई डॉट आई है, ठीक है, तो ये वन के बराबर हो जाएगा, और बाकी ये भी जे डॉट जे, ये भी वन के बराबर हो जाएगा, और ये के डॉट के, ये भी वन के बराबर हो जाएगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे क्योंकि आई डॉट जे है, ठीक है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इनका जो है डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो ये होल टर्म जीरो हो जाएगी, ये भी होल टर्म जीरो, ये भी होल टर्म, मतलब कि बाकी इन तीनों के अलावा बाकी सब जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो बाकी टर्म बचेगी वो हम लिख देते हैं, थ्री मल्टीप्लाई टू इज सिक्स, सिक्स इंटू वन, ठीक है, सिक्स मल्टीप्लाई बाय वन आ जाएगा, सिक्स मल्टीप्लाई बाय वन प्लस, और दूसरी टर्म कौन सी वन हो रही थी, ये वाली जे डॉट जे वाली, ठीक है, वन मल्टीप्लाई वन इज माइनस वन, माइनस वन मल्टीप्लाई बाय जे डॉट जे वन आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया माइनस वन, माइनस वन इंटू वन, ठीक है, प्लस के डॉट के वाली टर्म कौन सी है, ठीक है, ये टर्म है, ये हो रही है माइनस वन साथ में इंटू वन, माइनस वन इंटू वन, माइनस वन इंटू वन डिवाइडेड बाय क्या था, अंडर रूट 66, और ये किसके बराबर है, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, ठीक है। अब यहां पर देखें, हमने सिंपल क्या पढ़ा कि दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट किस तरह से लिया जा रहा है फार्मूला के अलावा, ठीक है, तो मतलब कि हमें दो वेक्टर्स गिवन हो तो हम उसका डॉट प्रोडक्ट इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, तो ये तो लेंथी मेथड था। अगर हम डायरेक्टली सिर्फ आई कंपोनेंट को आई के साथ मल्टीप्लाई करें, जे कंपोनेंट को जे के साथ मल्टीप्लाई करें, के कंपोनेंट को के साथ मल्टीप्लाई करें, तो फिर हमारे पास सेम रिजल्ट आ सकता है, ठीक है, बाकी हमने फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी का रिजल्ट जीरो ही आएगा, ठीक है। तो जिस तरह से ये मैंने किया कि आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई किया, थ्री इंटू टू इज सिक्स आया, और यहाँ पर जे कंपोनेंट को जे कंपोनेंट से मल्टीप्लाई किया वो माइनस वन आया, के कंपोनेंट को के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई किया तो वो भी माइनस वन आया, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो है उनका मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट इज रूट 66। तो यहां से हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, सिक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय अंडर सिक्स, और जो कि सिक्स माइनस वन बराबर होगा फोर के, फोर डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिक्स आ गया, ये किसकी वैल्यू है, कॉस ऑफ थीटा की, ठीक है, जो हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। अच्छा, कॉस ऑफ थीटा तो हमने फाइंड कर लिया पार्ट वन में, अब बाकी पार्ट्स जो हैं इस क्वेश्चन के उसमें भी हमने कोसाइन ऑफ एंगल थीटा ही फाइंड करना है। हमें दो वेक्टर्स गिवन है, यू और वी वेक्टर्स हमें गिवन है, और हमने
कॉस ऑफ थीटा ही फाइंड करना है। तो बाकी भी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के पार्ट जो हैं बिल्कुल सेम है, ठीक है, वो आप खुद से ट्राई करेंगे और बिल्कुल सेम मेथड यूज करेंगे। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में क्या है, कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, ठीक है, एंड वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। मतलब कि हमें दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, एक वेक्टर है ए वेक्टर, सही है, ए वेक्टर जो के बराबर है आई माइनस के के, आई हैट माइनस के हैट, ठीक है, ये एक वेक्टर हमें गिवन है। और दूसरा हमें वेक्टर गिवन है बी वेक्टर जो के बराबर है जे प्लस के, जे हैट प्लस के हैट, ये दो वेक्टर्स हमें गिवन हैं। हमने फाइंड करना है ए का प्रोजेक्शन अलॉन्ग बी के, बी वेक्टर के, ठीक है। तो मतलब कि अगर ये एक ए वेक्टर है, ठीक है, और ये दूसरा बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है, और ये ए वेक्टर था हमारे पास, ठीक है। तो ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर किस तरह से आएगा, ये प्रोजेक्शन बनता है अगर यहां से परपेंडिकुलर लिया जाए बी वेक्टर के ऊपर, तो ये पार्ट जो है बी का, ये प्रोजेक्शन बनता है ए वेक्टर का अलॉन्ग बी, ठीक है। ये जो मैंने रेड कलर से शो किया, ये हमारे पास प्रोजेक्शन है ए का बी के अलॉन्ग। तो हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में कि ये किसके बराबर होता है प्रोजेक्शन, ये साइड जो है, ये प्रोजेक्शन, वो बराबर होगी ए मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा के, ठीक है। थीटा क्या चीज है, इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान का एंगल थीटा, ठीक है। तो ये ए कॉस थीटा जो है वो प्रोजेक्शन है वेक्टर ए का अलोंग बी वेक्टर, तो ये हमने फाइंड करना है, सही है। हमने फाइंड क्या करना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। ये है प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, सही। तो इसी तरह से हमने जो इस क्वेश्चन का पार्ट, दूसरा पार्ट है कि हमने बी वेक्टर का प्रोजेक्शन भी फाइंड करना है ए वेक्टर के ऊपर। मतलब कि यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, ठीक है, ए के ऊपर, तो वो पार्ट ये बनेगा, तो ये प्रोजेक्शन बनता है वेक्टर बी का वेक्टर ए के ऊपर, जो कि बराबर होगा बी कॉस थीटा के, सही है। तो बी कॉस थीटा भी हमने फाइंड करना है, बी कॉस थीटा ये भी हमने फाइंड करना है, जो के है क्या, बी प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, ये दोनों चीजें हमने फाइंड करनी है। तो अब ये हम कैसे फाइंड करेंगे, ए कॉस थीटा पहले फाइंड करते हैं। ए कॉस थीटा हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखें दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमने किसके इक्वल देखा था, के ए डॉट बी किसके इक्वल होगा, ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी का मैग्नीट्यूड साथ में कॉस ऑफ थीटा। अगर मैं इस ए और कॉस थीटा को इकट्ठा कर दूं, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड है, इनका ऑर्डर मैं चेंज कर सकता हूं, ठीक है, मतलब कि 1 मल्टीप्लाई 2 इज 2 होता है और 2 मल्टीप्लाई 1 इज 1 इज होता है, ठीक है, तो इनका ऑर्डर मैं आपस में चेंज कर सकता हूं। तो इसको मैं लिख सकता हूं ए, पहले बी को मैं ले लिख देता हूं, बी इंटू ए कॉस थीटा, सही, इसी को मैंने सिर्फ इसका जो है ऑर्डर चेंज करके लिख दिया बी इंटू ए कॉस थीटा, तो जो के बराबर है ए डॉट बी के, ए डॉट बी के। अब यहां पर आप देखें तो ये जो है ए कॉस थीटा, ये क्या चीज है, यही वो प्रोजेक्शन है ए का अलॉन्ग बी वेक्टर जो कि हमने फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन से ये सेपरेट कर लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला हम देख लेंगे कि फॉर्मूला क्या बन जाता है, तो वो देख लेते हैं कि इस बी मैग्नीट्यूड को हम इस लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आ गया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा, सही है। तो अगर हम देखें तो हमने यही फाइंड नहीं करना था, ए कॉस थीटा, सही है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, तो ये हम देख चुके हैं कि ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा बराबर होता है ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी के मैग्नीट्यूड के, ठीक है। तो अब
हम ये फाइंड करते हैं। पहले तो हमें इसमें देखते हैं क्या क्या चाहिए। एक तो ए वेक्टर चाहिए, बी वेक्टर चाहिए। ये दोनों वेक्टर्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, सही है, और उनका डॉट प्रोडक्ट हम खुद से फाइंड करेंगे, और साथ में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी हमें चाहिए, तो वो हम खुद से फाइंड कर लेते हैं। बी वेक्टर हमें गिवन है तो बी का मैग्नीट्यूड भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? बी वेक्टर बराबर है जे प्लस के के, तो यहां से ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों कंपोनेंट्स का स्क्वायर लिया और उसको ऐड कर दिया और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये इसका मैग्नीट्यूड बन गया स्क्वायर रूट 2। सही है, तो ये आ गया बी का मैग्नीट्यूड। अब हम इसको उस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, ए कॉस थीटा इज इक्वल टू इसमें। ठीक है, तो ए कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू है ए डॉट बी। ए वेक्टर क्या है? आई माइनस के, ये आ गया ए वेक्टर। सही, तो साथ में डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? बी वेक्टर के साथ। बी वेक्टर है जे प्लस के, ये बन गया ए डॉट बी, डिवाइडेड बाय किससे है? बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर चुके हैं जो कि है स्क्वायर रूट 2। सही है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखें ए वेक्टर अब आई है, सही है, इसमें वाई कंपोनेंट 0 है, तो हम उसको लिख सकते हैं आई प्लस 0 j। ठीक है, वाई कंपोनेंट 0 है तो उसको मैंने मैग्नीट्यूड 0 लिख दिया, तो इसी तरह से माइनस के हैट, ये बन गया ए वेक्टर। ठीक है, और साथ में आ जाएगा बी वेक्टर क्या है, इसमें आई कंपोनेंट 0 है तो उसको मैं लिख सकता हूँ 0 i। सही है, तो बाकी जो है उसी तरह आ जाएगा प्लस जे हैट प्लस के हैट, डिवाइडेड बाय क्या है? स्क्वायर रूट 2। अब यहां पर देखें तो इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है। जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में देखा दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड किया जाता है, कि एक्स कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, वाई कंपोनेंट के साथ, और जेड कंपोनेंट के साथ। अब यहां पर आई कंपोनेंट का कॉफिशियंट 1 है, यहां पर आई कंपोनेंट का कॉफिशियंट 0 है। ठीक है, तो मतलब कि 1 × 0 = 0, तो ये 0 बन जाएगा। ठीक है, प्लस वाई कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 × 1 = 0। ठीक है, अब यहां पर के कंपोनेंट जो है, ये देखें जेड कंपोनेंट, इसका कॉफिशियंट के का क्या है? -1। ठीक, और इसका के का कॉफिशियंट क्या है? 1। ये दोनों के डॉट के क्या आ जाएगा? के डॉट के, वो 1 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 2। अच्छा, इसको मजीद हम सिंपलीफाई करते हैं, तो 0 + 0 + ये -1 हो जाएगा, -1 × k.k = 1, जो कि मल्टीप्लाई होकर दोबारा से -1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। ठीक है, ये बराबर है ए कॉस थीटा के। ठीक है, जो कि प्रोजेक्शन है ए वेक्टर का अलोंग बी वेक्टर। ठीक है, ये है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। सही है, तो यही हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था पार्ट 1 में। पार्ट 2 क्या था? हमने प्रोजेक्शन फाइंड करना था बी वेक्टर का अलॉन्ग ए वेक्टर, जिसका फार्मूला हमें गिवन मतलब के फार्मूला हमें पता है कि वो बराबर है बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड। पिछले पार्ट में डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड था, इसमें डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड है। सही है, सिर्फ इतना सा फर्क है। अब यहां पर देखें ए का मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें ए वेक्टर गिवन है। ठीक है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर लेते हैं। ए वेक्टर हमें क्या गिवन है? आई माइनस के, तो इन दोनों का स्क्वायर लेकर ऐड करके और उनका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा स्क्वायर रूट 2। सही है, तो ये भी हमारे पास आ गया ए का मैग्नीट्यूड और ए डॉट बी। अब इसमें हम पुट कर देते हैं ए डॉट बी देखें हम पिछले पार्ट में भी फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, जिसकी वैल्यू आई है -1। ठीक है, तो -1 डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड भी √2 है, मतलब के ये वैल्यू है बी कॉस थीटा की, जो कि प्रोजेक्शन है प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर।
सही है। तो ये दोनों चीजें हमने फाइंड करनी थी, एक तो प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी और प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए, ये दोनों की वैल्यू सेम आई है, ठीक है। तो यही हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था, जो कि हम फाइंड कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है।